बॉल थी इतनी खतरनाक कि टूटने से बची विराट कोहली की उंगली। दर्द से रोते हुए साफ नजर आए विराट कोहली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में तीसरा टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में अभी खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन लगातार विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके के क्रिम्प दरारें मैदान पर अब नजर आ रही हैं। वे निश्चित रूप से बल्लेबाजों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। अंपायर लगातार दोनों टीमों के कप्तानों से बात कर रहे हैं। कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी लगातार पिच के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल जिस तरीके की दरारें मैच के तीसरे दिन पिच पर बनी हुई है, वहां से बॉल चलकर इस तरीके से आती है कि बल्लेबाज के किसी भी जगह तेजी से लगती है। तीसरे दिन जहां पर मुरली विजय 3 से 4 बार चोटिल हुए तो कप्तान विराट कोहली भी 2 से 3 बार उंगली और पीठ पर गेंद लगवा चुके हैं। 31वें ओवर में विराट कोहली के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसके बाद कप्तान विराट कोहली दर्द से तड़पते हुए मैदान पर नजर आए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे कोहली चोटिल हुए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में तीसरा टेस्ट मैच, इस समय मैच का 31वां ओवर चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जबाड़ा गेंदबाजी करा रहे थे। सामने विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद यहां बड़ी तेजी से आती है और विराट कोहली की उंगली पर लगती है। विराट कोहली तुरंत दर्द से तड़पते नजर आते हैं। गेंद उंगली पर लगी थी और जब ग्लव्स कोहली ने उतारे तो उंगली मोड़ भी नहीं पा रही थी। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कहीं विराट कोहली की उंगली में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ गया है। वाकई इस समय पिच पर जिस तरीके से बॉल उछल रही है, वह बल्लेबाज के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। अच्छी बात यह रही कि कप्तान विराट कोहली को कोई अधिक चोट नहीं आई और वह बाल बाल बच गए, क्योंकि इस टेस्ट मैच के बाद में इंडियन टीम को वनडे श्रृंखला भी खेलनी है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके की भी जोहान्सबर्ग में बनाई गई है, उसको लेकर आलोचना जितनी की जाए वह कम ही मानी जाएंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।